तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग कैविटीज़ के बारे में बात करी थी कि किस तरह से कैविटीज़ के अंदर और बाहर उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कमी आती है, क्या अधिकता आती है, ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट टाइम पे करी थी कि बेसिकली कैविटीज़ को पूरी तरह से एक उसका पोस्टमार्टम कर दिया था कि किस तरह से हम लोग सारी बातें कर सकते हैं कैविटीज़ के लिए, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, जो मसाला भरा है उसके अंदर या सबसे अंदर निकालें तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी वो सिर्फ उन चार्जेस के बीच की जो सॉरी उन सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस उस पर डिपेंड कर रही थी, ये सारी बातें हम लोगों ने करी है लास्ट टाइम पे। आज उसी में आगे बढ़ते हुए कंडक्टिंग कैविटीज़ पर थोड़ी सी चर्चा और बनती है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या चीज़? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इस शील्डिंग का बेसिकली क्या यूज़ होता है, किस तरह से प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में इसका यूज़ किया जाता है और किस तरह से इससे एक बहुत सुंदर सा एक्सपेरिमेंट निकल करके आता है, वो सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब क्या है? मान लो हमारे पास एक कोई कंडक्टिंग कैविटी है इस तरह से, ठीक है, अंदर मसाला है, ये सब कंडक्टिंग है, लेकिन ठीक है ये कंडक्टिंग मसाला है, जितना भी मैटर है ये सारा कंडक्टिंग है ना। तो इसका मतलब क्या है? ठीक, अब हम लोगों ने किया क्या कि इस कंडक्टिंग कैविटी इस बॉल के बाहर हम लोगों ने एक चार्ज रख दिया क्यू। ठीक है, तो इस चार्ज क्यू या तो हम लोगों ने कुछ किया था कंडक्टर के लिए, तो अब क्या होगा? इस क्यू की वजह से आप इस सरफेस पे जो चार्जेस आएंगे दैट विल बी नेगेटिव चार्जेस, और इस सरफेस पे जो चार्जेस आएंगे दैट विल बी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो एक बात हमें ये समझनी है कि अब इन चार्ज ये जो चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ये बात हम लोगों ने करी थी कंडक्टर के पहले वीडियो में कि जब भी हम लोग किसी एक कंडक्टर के बाहर एक्सटर्नल चार्ज रख देते हैं या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो चार्जेस खुद को इस तरह से अरेंज करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर है उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। इसकी वैल्यू यहाँ पर यानी इस जगह पर कंडक्टिंग सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। लेकिन एक बात हमको ये भी समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जीरो नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम गॉसियन सरफेस खींचेंगे, यहाँ पर अगर हम गॉसियन सरफेस खींचेंगे तो अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही आएगा, ये बात अपने को समझ आती है। ठीक है ना, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो होगा, यानी यहाँ पर कोई भी इस चार्ज का प्रभाव नहीं पड़ रहा है इसके अंदर, यहाँ पर इसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो। क्या ये बात समझ आ गई? यानी ये जो कंडक्टर के चार्जेस होते हैं खुद को ही इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि उसके अंदर टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कंडक्टर पर भी और अंदर भी जीरो है। अंदर क्यों जीरो है? क्योंकि यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं है। बात क्लियर? दूसरी बात, मान लो इसी तरह की हमने कोई कैविटी बनाई, कंडक्टिंग कैविटी। ठीक, मान लो यहाँ पर भी हम लोगों ने कोई कंडक्टिंग कैविटी बनाई। ठीक है, और अब किया क्या कि मान लो यहाँ पर कोई चार्ज रख दिया कैपिटल क्यू, तो अब एक्चुअल में क्या होगा? याद करो हम लोगों ने अभी कंडक्टिंग जब लास्ट राउंड पे जो बात करी थी कि जब हम लोगों ने अंदर चार्ज रखा तो अंदर वाली सरफेस पे माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाता है, प्लस क्यू सॉरी माइनस क्यू, कोई दिक्कत? तो इस चार्ज की वजह से बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? इस चार्ज की वजह से देखो ध्यान से, जब ये चार्ज यहां रखा तो अंदर क्या आ गया? निगेटिव, और बाहर क्या आ गया? पॉजिटिव। इसमें अंदर वाली सरफेस पे इंड्यूस चार्ज इस तरह से आता है कि टोटल यहाँ का मिलाकर के, अब देखो मान लो यहाँ पर बोले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इस पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस तरह से लिखेंगे? इसकी वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसकी वजह से माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर, और फिर जो बाहर वाला पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से आ जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसल आउट हो गया, केवल बाहर वाला जो चार्ज आ गया है इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। तो यानी एक बात यहाँ से हमें ये भी समझ आई कि अगर हम अंदर कोई चार्ज रख दें तो
अंदर वाली सरफेस पे इंड्यूस चार्ज इस तरह से उत्पन्न हो जाएगा, इस तरह से जनरेट हो जाएगा कि उन दोनों का मिला करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा ये वाला, इन दोनों का मिला करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा ये हमारा जीरो बनेगा। बाहर वाले चार्ज की बात नहीं कर रहा था, बात क्लियर है ना। एक बात जो मैसेज यहाँ से मिल रहा है वो क्या मिल रहा है कि अगर हम बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, अगर हम बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदर वाले जो अंदर है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी इस वाले चार्ज, अब सोचो यहाँ पर बाहर चार्ज रखा होता क्यू, ठीक है, तो इस चार्ज का इस चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगता। सिंपल सा बात यह है कि अगर कंडक्टिंग कैविटी के बाहर कोई हमने चार्ज रखा हुआ है तो कैविटी के अंदर जो चार्ज है उस चार्ज पर इस बाहर वाले चार्ज की वजह से कोई फोर्स नहीं लगने वाला है, कोई फोर्स नहीं लगने वाला है। क्या बात क्लियर है? यानी इस वाले चार्ज की वजह से इस वाले चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्या बात क्लियर है कि इस वाले चार्ज की वजह से इस वाले चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, यानी ये वाला जो चार्ज है इस वाले चार्ज से पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी तरह से शील्डेड है। इस वजह से इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जो फैराडे केज का आपने नाम सुना होगा, फैराडे केज सुना कभी? इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है। फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था, फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें क्या था कि वो एक केज के अंदर खड़े हो गए थे और उस केज में उस केज के बाहर उन्होंने कई इलेक्ट्रिक शॉक लगवाए थे, है ना, इलेक्ट्रिक शॉक बोल सकते हैं और कुछ भी, उसके ऊपर उन्होंने बिजली गिरवाई थी एक तरह से बोल सकते हैं। तो उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ था, क्यों? क्योंकि वो जो थे कंडक्टिंग कैविटी की तरह अंदर थे एक तरह से, और जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब हालांकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड वगैरह के भी कुछ इंटरेक्शन थे वो बात अलग की है, लेकिन हम बात जो इलेक्ट्रिक फील्ड की कर रहे हैं उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था इस जो केज को बोला गया था फैराडे केज, जिसको फैराडे केज एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, है ना, फैराडे केज डेमोन्स्ट्रेशन भी बोलते हैं। तो ये सारी बातें आपको अपने दिमाग में रखनी है, किस तरह से कोई, अब पता है इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, जब भी हमें किसी चार्जेस को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आने से बचाना होता है या कई चीज़ों को हमें सुरक्षित रखना होता है, कई इंस्ट्रूमेंट इतने सेंसिटिव होते हैं कि जरा से भी फील्ड में आकर के वो एक्टिवेट हो जाते हैं या कुछ भी इस तरह का हो जाता है, ख़राब हो जाते हैं, कुछ भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट बन जाते हैं, तो उनको बचाने के लिए हम कंडक्टिंग कैविटी में रख देते हैं इस तरह से। बात समझ आई? तो ये होता है कंडक्टिंग कैविटी का यूज़। अब मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, आप अगर मैंने एक सीरीज़ बनाई थी उसमें मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, उस एक्सपेरिमेंट पे एक फैराडे केज पे एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट का नाम मैंने क्या रखा था, कुछ एल्यूमिनियम फॉइल से वो रिलेटेड था। आप अगर इसके क्लिप, चलो शायद क्लिप देख लो उसके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन करने का कारण कि ये हम लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, इस मोबाइल फ़ोन के साथ क्या करेंगे कि इसको फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये इंसुलेटिंग प्लास्टिक की एक बोलते हैं ना, इंसुलेटिंग प्लास्टिक टाइप में, इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं ना कि पन्नी टाइप में है एक, इसमें हम लोग इस मोबाइल को रखने वाले हैं, ठीक है, ये किस इंसुलेटिंग कवर की तरह काम करेगा, ठीक है। फिर हम लोग करेंगे क्या कि इस वाले फ़ोन से दूसरे फ़ोन से हम लोग इस फ़ोन में कॉल करने वाले हैं, फिर देखना होता क्या है, ठीक है। चलो सफ़र इसको कवर करते हैं, अच्छे से कवर कर देते हैं, ठीक है, आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रही है, देखो ध्यान से प्रॉपर कवर करेंगे ताकि बिल्कुल भी कहीं से कोई भी जगह ना बचे इसमें, ठीक है, कवर हो गया, ठीक है। अब करने के बाद इस फोन से इसमें कॉल करेंगे, देखो ध्यान से, सुन लो इनकी बात भी, सुन लो, कॉल जा रही है, we need to observe maximum precaution till a cure is found, do not pura awaaz aa rahi hai, teen bade se gana baj rahe hain, wearing a mask and maintaining physical, to aapne dekha simple ki isme se aaram se call lag rahi, koi bhi dikkat nahi aa rahi, fir se ek bar call karke dekh lete hain, ye to ye prachar bhut karte hain har corona wale, work to stop further spread of covid 19, hai na, to yahi chal raha hai। ab karne ke wale hum log
ठीक है ना, एक बार काम करते हैं कि दूसरे सिम से ट्राई करते हैं, ताकि हाँ आप देखो बेल जा रही है, अब ये कोरोना वाले जो है अपना प्रचार नहीं कर रहे हैं, देखो ध्यान से। हाँ आवाज़ आ रही है, अब जो है कोविड का यहाँ पे प्रचार नहीं चल रहा, आपको आराम से रिंग सुनाई दे रही होगी। ठीक है समझ लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक, अब कॉल को अपन कट कर देते हैं। ठीक, अब क्या करने वाले, एक इंसुलेटिंग स्टैंड की तरह था, इसमें 3 मिस कॉल भी लग चुकी है, अब क्या करेंगे, इसको से निकालते हैं इस फोन को, और इसको अपन अलग करते हैं। ठीक है आप जाओ इधर, और इसको अपन यहाँ से हटा देते हैं। चलो अब क्या करेंगे, इसको इंसुलेटर एक कवर की जगह पर हम लोग एक कंडक्टर कवर में पैक करने वाले। कंडक्टर कवर के लिए हम लोग एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ करने वाले हैं बेसिकली, तो हम लोगों के पास एक ये एल्यूमिनियम फॉइल है, ठीक है ना, मैंने पूरी की पूरी ये फॉइल रखी हुई है यहाँ पे, और इसमें से मैं इसको पैक करने वाला हूँ। तो अपन पहले थोड़ी सी फॉइल को निकाल लेते हैं इसमें से, तो एक पर्टिकुलर साइज़ की मैंने इसमें से फॉइल निकाल ली है, इसको मैं बाकी रख देता हूँ, ठीक है ना, तो बाकी मैंने रख दी इसको। ठीक है अब करेंगे क्या, इसको कवर कर लेते हैं, अच्छे से कवर करते हैं, थोड़ा सा खुला भी रह जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का, बाकी वी विल ट्राई कि हम लोग अच्छे से इसको पैक कर सकें। ठीक है देखो ध्यान से, मैं पैक करने में कोई मास्टर नहीं हूँ, बट फिर भी आई एम ट्राइंग बेस्ट, जस्ट लुक एट दिस। ठीक है ये पूरी तरह से कवर हो चुका है, इट इज़ टोटली कवर्ड नाउ, इट इज़ इन इंसुलेटिंग कवर, सॉरी कंडक्टिंग कवर, ठीक है ना, अभी आपका एक कंडक्टिंग कवर है, इसके अंदर ही रखा हुआ है। अब मैं इसको कॉल करते हैं, सॉरी किसको मैंने कॉल लगा दिया, जस्ट अ सेकेंड, यप देखना क्या बताता है, बोलो बोलो कुछ तो बोलो, देखना भी आवाज छूट जाती है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। द नंबर यू आर कॉल, देखा कुछ, फिर से बात ट्राई करके देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बोलेगा बोलेगा बोलेगा, आपके द्वारा डायल डायल किया किया गया गया नंबर नंबर नेटवर्क नेटवर्क कवरेज कवरेज क्षेत्र क्षेत्र से से बाहर बाहर है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास बस करें। करें। बात समझ आई, तो हम लोगों ने किया क्या, अब ऑब्जर्वेशन को आप अच्छे से देख लें यहाँ पर, कि ऑब्जर्वेशन में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक मोबाइल फ़ोन लिया, उसको एक पहले एक इंसुलेटर कवर में पैक किया, फिर कॉल किया, नॉर्मली कॉल लग रही थी, टोटली कवर्ड था, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बट जब हमने इसको एक कंडक्टिंग कवर में रख दिया है, तो इसमें से आपकी जो नेटवर्क है वो नहीं मिल रहे हैं, क्यों ऐसा होता है, अब इसके पीछे की फिजिक्स को समझते हैं। तो अगर आप ये एक्सपेरिमेंट ध्यान से देखे हो, तो अगर आप इसमें बेसिकली आप पूरा जाकर के एक बार अच्छे से वीडियो समझो, है ना, उसमें भी मैंने यही इसी तरह की कुछ बातें समझाई हैं, तो आपको अच्छे से इस चीज़ का डिमॉन्स्ट्रेशन हो जाएगा कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग किस तरह से काम करती है ना। वो जो मैंने एल्यूमिनियम फॉइल ली, उसमें मैंने फ़ोन को रखा, और वहाँ से फिर मैंने दूसरे फ़ोन से फ़ोन मिलाया, तो उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थी वो वहाँ तक पहुँची ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो जो कवर था एल्यूमिनियम फॉइल थी वो कंडक्टिंग कैविटी की तरह काम कर रही थी, और अंदर उस फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा था, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डेड था वो फ़ोन। ठीक है तो आप इस फिनोमिना को इस उतारो, और अपनी भाषा में कम से कम इसमें 5 से 6 लाइन लिखो, इस सारी चीज़ों को लिखो और अपनी भाषा में लिखो कि अगर कोई चार्ज बाहर रख देते हैं तो अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अंदर रख देते हैं तो बाहर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी बेसिकली एक दूसरे से कोई उनका मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है तो इस फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है उतारो, नेक्स्ट बात हम लोग इसमें क्या करते हैं कि हम लोग अब दो कंडक्टर्स को लेंगे, है ना, और उन दो कंडक्टर्स को हम आपस में कांटेक्ट करवाने वाले हैं, और उस कांटेक्ट पे हम देखेंगे किस तरह से वो दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। अगर आपने वॉन डे ग्राफ जनरेटर देखा हो, है ना, वॉन डे ग्राफ जनरेटर में एक्चुअली हम लोग लास्ट में अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने कुछ किया था उसमें, कुछ टचिंग कुछ टाइप का किया था, उसको मैं अभी लास्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना है, पहले सारे फिनोमिना समझो, फिर उसको भी मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअल में किया क्या था मैंने वहाँ पर। ठीक है तो नेक्स्ट सेगमेंट क्या है, टचिंग ऑफ टू कंडक्टर्स, टचिंग और कनेक्टिंग, ऑफ टू स्फीयर्स या टू कंडक्टर्स,
जनरली यहाँ जो हम कंडक्टर लेंगे वो स्फीयर होंगे, ठीक है ना, स्फीयर शेप के होंगे, ठीक है, उनमें कैलकुलेशन कर सकते हैं, बाकी जो टेढ़े मेढ़े शेप के होंगे उसमें हम कैलकुलेशन को नहीं अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो मान लो हम लोगों ने किया क्या कि हमारे पास दो कंडक्टर स्फीयर है, ठीक है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है इसकी रेडियस है 2R और इस कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियस है R, ठीक है। मैंने इस कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज डाल दिया 8Q और इस पे मैंने चार्ज डाल दिया 6Q मतलब 2Q ले लो, 2Q, ठीक। और इन दोनों को आपस में इस तरह से ला करके एक दूसरे को कनेक्ट करा दिया, ठीक है। इसका मतलब है मैंने कनेक्ट करा दिया, इन दोनों को वायर से जोड़ के आपस में कनेक्ट करा दिया। तो एक्चुअल में होगा क्या, एक्चुअल में होगा ये कि जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा वो चार्ज, देखो चार्ज एक रेस्पेक्टिव टर्म होता है, चार्ज एक रेस्पेक्टिव टर्म होता है। अगर हम किसी भी, मान लो चार्ज ज़्यादा कम कब, जब इसके रेस्पेक्ट में देखें कि चार्ज ज़्यादा है या कम है। दूसरी बात ये इस किस चीज़ पे भी डिपेंड कर रहा है, ये पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है कि हम ये नहीं बोल सकते कि ज़्यादा चार्ज से कम चार्ज की तरफ फ्लो करेगा, हम ये बोल सकते हैं कि चार्ज वहाँ से वहाँ फ्लो करेगा जहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है और वहाँ से कम पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। अगर हमने दो कंडक्टर्स को आपस में टच कराया है तो चार्ज हाई पोटेंशियल वाले कंडक्टर से लो पोटेंशियल वाले कंडक्टर की तरफ फ्लो करेगा, कहाँ से, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये नहीं देख के आइडिया लगा सकते हैं कि चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा, हो सकता है इधर से इधर फ्लो कर जाए, चार्ज इस पे कम दिख रहा हो। तो हमें देखना क्या है, चार्ज नहीं पोटेंशियल चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लिया भाई देखो कहीं ना कहीं से तो फ्लो करेगा, तो हम मान लिया कि इधर से इधर फ्लो कर रहा है और मान लो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, स्मॉल क्यू चार्ज फ्लो कर गया, कब तक फ्लो करेगा। आपने इस तरह के बचपन में एक्सपेरिमेंट किए होंगे, मैंने तो बहुत किए, देखो मैंने नई नई बाल्टी में छेद कर दिए। आपने उस तरह के एक्सपेरिमेंट किए होंगे कि मतलब बात मान लो कि एक बड़ी भरी बाल्टी है, एक खाली बाल्टी है, उसमें पतली सी नली डालते हैं, उससे यहाँ इसमें पानी जाता रहता है, तब तक जाता रहता है जब तक कि दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता है, ठीक है। जो हमारे यहाँ घरों में टंकी रखी होती है पानी की, उससे भी तो पानी इसी वजह से आता है क्योंकि वो हाई पोटेंशियल पे होती है। और हमारे जो घरों में चीज़ें होती है, आपने देखा होगा कि टंकी जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर होती है पानी की रफ्तार उतनी ज़्यादा होती है। तो एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि पोटेंशियल एक्चुअल में होता क्या है। तो वो यही चीज़ है कि किसके पास एनर्जी ज़्यादा है तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा है। किस तरह से हम आइडिया लगा सकते हैं, जिसके पास एनर्जी ज़्यादा उसका पोटेंशियल ज़्यादा। तो वही बात यहाँ पे कर रहा है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो हमारा चार्ज है वो फ्लो करेगा, जिस तरह से पानी हाई सरफेस से लो सरफेस की तरफ फ्लो करता है। बात समझ आ रही है। तो बात यहाँ से कहीं निकल करके आई कि कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये चार्ज तब तक फ्लो करता रहता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर रहा था, ठीक है, तो यहाँ क्यू चार्ज गया, इस पे कितना बचा, 8Q-Q और इस पे कितना हो गया, 2Q+Q, यानी अब क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया होगा। तो ठीक है, मान लो अगर सेम हो गया तो हम क्या करेंगे, दोनों का इसका पोटेंशियल निकालो, क्या होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, KQ/R। तो अब इस पे चार्ज कितना हो गया, 8Q-Q/R कितनी है इसकी, 2R बराबर हो गया इसके, यानी के 2Q+Q/R, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, के से के मर गया, आर से आर मर गया, ठीक है। टू का अदर क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस क्या निकल रहा है मेरे मुंह से, 8Q-Q=2। टू का अदर मल्टीप्लाई करा दोगे क्या जाएगा, 4Q+2 का क्यू में कराओगे तो 2Q, ठीक है। 4Q को ढगे इस तरफ ले आओ, 8 से 4 गया 4Q बचा, ये उधर गया 3Q हो गया, यानी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 4Q/3, यानी इतना चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो कर गया होगा, यानी इस पे कितना बचा होगा फाइनल चार्ज 8Q, ये था ना फाइनल चार्ज, माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है, 4Q/3,
यानी आर थ्री 24 से चार दिया 20/3 क्यू, और इस पे 20/3 क्यू, इस पे करके आ जाएगा फाइनल चार्ज, इस पे फाइनल चार्ज जो आएगा फाइनल चार्ज दैट विल बी 2Q+4Q/3 यानी चार दुनी सॉरी तीन दुनी छः, छः चार 10Q/3 ये इस पे फाइनल चार्ज, ये इस पे फाइनल चार्ज। अगर आप एक बहुत बात ध्यान से देखो तो इस पे जो चार्ज है वो इसका दोगुना है, यानी 20 है इस पे 10 है, ध्यान से देखो इसकी रेडियस दोगुनी थी, तब तक बहता रहेगा जब तक, यानी मैंने क्या बोला कि चार्ज जो है रेस्पेक्टिव टर्म है, अगर इसकी रेडियस मान लो छोटी और इस पे हम 4Q कर दें तो इस पे पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, समझ रहे ना, इसके रेस्पेक्ट में मान लो 6Q कर दो तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, इस पर 8Q बना रहे, तो चार्ज को आपको समझना होगा किधर से किधर फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल आप बराबर कर दें फाइनल उसके, तो क्या होगा आपको स्मॉल क्यू की वैल्यू निकल आएगी। एक दूसरी बात अगर मान लो यहाँ पे निगेटिव साइन आ गया होता, अगर यहाँ पे निगेटिव साइन आ गया होता तो हम ये समझते हैं कि जिस डायरेक्शन में हमने चार्ज को माना है हमने डायरेक्शन गलत मानी है, यानी चार्ज इधर से इधर फ्लो ना हो करके चार्ज इधर से इधर फ्लो किया होगा, इसी वजह से हमारा जो साइन है वो यहाँ पर निगेटिव आया है। अगर निगेटिव आ रहा है तो मतलब हमने जो साइन माना है यानी जो डायरेक्शन मानी है वो हमने अपोजिट मान ली है। क्या टचिंग या कनेक्टिंग की, कनेक्टिंग में भी सेम काम होता है ना, कनेक्टिंग में भी सेम काम होता है, सॉरी टचिंग में भी सेम काम होता है, कनेक्टिंग में भी सेम काम होता है, टच करें या कनेक्ट करें सेम ही प्रोसेस करना है आपको। क्या बात क्लियर है मेरी, पक्का 100% गारंटी। चलो उतारो। अब अगली बात हम लोग क्या करते हैं इसमें कि किसी भी बॉडी, हमने दो कंडक्टर्स को आपस में टच करा के देखा, ठीक है, हमें पता चल गया क्या होता है इसमें। अगली बात हम क्या करेंगे इसमें कि किसी भी बॉडी को हम अर्थ से कनेक्टेड कराएंगे, अर्थ को हम ऐसा कंडक्टर मान के चलते हैं, ठीक है ना, अर्थ को ऐसा मान के चलते हैं कि बहुत बड़ा सा कंडक्टर है और उसमें हम किसी एक बॉडी को कंडक्टिंग स्फीयर को कनेक्ट कराएंगे, ठीक है ना, और उसका जो इफेक्ट होगा उसको हम लोग गवर्न करने वाले हैं कि क्या होता है एक्चुअल में वहाँ पर, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हम लोग अर्थिंग की, ठीक है ना, इसको अर्थिंग बोलते हैं हम लोग इस प्रोसेस को, यानी अर्थ में किसी कंडक्टर को मिलाना, यानी अर्थिंग कर देना, ठीक है। तो पहली बात आपको समझनी पड़ेगी कि अर्थ सबसे बड़ा कंडक्टर मान के चलते हैं, अर्थ इज अ वेरी गुड कंडक्टर, ठीक है ना, अर्थ बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। और एक बात ये भी आप जानते हैं कि अर्थ की जो रेडियस होती है दैट इज़ वेरी लार्ज, 64,000 किलोमीटर्स के आसपास के होती है जो रेडियस होती है, शायद मैंने सही बोला है। तो इस अर्थ में आप कितना मान लो, जैसे समझो कि आप हाथी सॉरी एक चींटी से बोल दो कि आप 10 मंजिल की एक चढ़ाई चढ़ के दिखाओ, या मान लो 2 मंजिल की, 10 मंजिल बहुत बोल दिया मैंने, आप बोल दो उसे 2 मंजिल की चढ़ाई चढ़ के दिखाओ, तो भले ही वो चढ़ जाए लेकिन हम लोग चींटी को अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते, लेकिन वो उसके लिए वो चढ़ाई होगी वो पहाड़ के समान होगी, ठीक है ना। एक बड़ी सी दीवार हो और उस पर एक छोटी सी चींटी आप चढ़ाओ, आपको तो दिखेगी भी नहीं पहले नज़र में, जो कमज़ोर नज़र वाले हैं उनको तो दिखेगी भी नहीं कि कहाँ पर है वो चींटी। तो मेरा बोलने का तात्पर्य ये है कि जो अर्थ है अगर उस पर हम थोड़ा सा चार्ज डाल भी देते हैं तो हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, हम कितना भी चार्ज देंगे अर्थ को तो हमें तो इस जो अर्थ है उसके रेस्पेक्ट में वो चार्ज नेग्लेजिबल है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि अर्थ का जो पोटेंशियल है दैट इज़ ज़ीरो। अगली बात, मान लो हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, ठीक है ना, इसकी रेडियस हमने आर मान ली और इसको हमने अर्थ, यहाँ अर्थ में बहुत बड़ी नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन आप मान चले इसके रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में जो कंडक्टर लूँगा मैं तो वो तो बिल्कुल नेग्लिजिबल साइज का, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर इसको दिखा दिया है अर्थ को, ठीक है ना, ये आपकी अर्थ है, ठीक है ना, इसकी रेडियस मैंने आर ई मान ली अर्थ के लिए, आर ई मान ली और मैंने इन दोनों को टच कराया आपस में, ठीक है ना, ठीक, मैंने इनको टच कराया, मान लो इस पे क्यू चार्ज था टोटल पहले से, तो अब क्या होगा, क्या चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल तो हम जीरो मान के चलते हैं, तो हमने क्या बोला कि अब चार्ज जो होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, कब तक फ्लो करेगा, कब तक भाई, चार्ज इस पे अर्थ पे तो कोई चार्ज नहीं, हम लगभग नेगेजिबल मान के चलते, तो पहले इस पे जीरो था, तो मान लो यहाँ से तक क्यू चार्ज फ्लो करा, तो फाइनल चार्ज यहाँ पे कितना हो गया, फाइनल चार्ज क्यू माइनस स्मॉल क्यू, और यहाँ पे फाइनल चार्ज कितना हो गया, कैपिटल क्यू, ये फाइनल है,
फाइनल चार्ज कितना हो गया स्मॉल क्यू। ठीक है, अब हमें चार्ज कब तक फ्लो करता है, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, अर्थात इसका पोटेंशियल के क्यू माइनस क्यू बाई आर, के क्यू माइनस क्यू बाई आर इज इक्वल टू इसका पोटेंशियल के क्यू बाई आर ई। क्या मैंने सही लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है, के से के कैंसल आउट, आर से आर कैंसल आउट, ई बचेगा, है ना बक। ठीक है ना, आर से आर कार्ड में देना, ये आर ई है, ये रेडी से अलग है, ये रेडी से अलग है। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो ध्यान से इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, क्या जाएगा यहाँ से, क्यू बाई आर माइनस क्यू बाई आर इज इक्वल टू क्यू बाई आर ई, करेक्ट है। इसको उस तरफ लेके चलो, इधर क्या बचेगा, क्यू बाई आर इज इक्वल टू, उधर क्यू कॉमन आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा आर ई प्लस आर बाई आर इंटू आर ई। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्या आर ई जो है वो आर के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, क्या आर ई इज मच मच ग्रेटर देन आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लगभग लगभग नेग्लेजिबल मान के चल सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पे हटा देंगे, बचेगा क्या, केवल आर ई ऊपर बचेगा, तो आर ई से आर ई कैंसल आउट। फिर क्या बचा यहाँ पर, क्यू बाई आर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्यू बाई आर, यानी आर से आर भी कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया कि स्मॉल क्यू इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल क्यू, अर्थात अर्थात यहाँ पर जो भी चार्ज फ्लो किया है वो पूरा का पूरा चार्ज यहाँ पर फ्लो कर गया है, बात समझ आए। लेकिन अब भी इनका जो पोटेंशियल होगा वो, अब मतलब इसने जो अर्थ ने इसका पोटेंशियल जीरो कर दिया, इसका अर्थ को दिखाने का जो सिंबल होता है, अब हमारे बार बड़ा सा गोला नहीं दिखाएंगे, दिखाने का जो सिंबल होगा वो हमारा ये होगा इस तरह से, ये आप ना भी दिखाओ, ठीक है ना, सिंपल ये इस तरह की तिरछी लाइन और इस तरह छोटी छोटी डैश नीचे की लाइन, ये होता है अर्थ का सिंबल। ठीक है, तो अर्थ से अगर हम किसी कंडक्टर को, हम एक बात ध्यान रखना, आइसोलेटेड है अभी, इसके आसपास कोई दूसरे चार्ज या कंडक्टर नहीं रखा हुआ है, तब की बात हम ही कर रहे हैं। ठीक है ना, अर्थ को अगर सॉरी किसी कंडक्टर को अगर हम अर्थ से कनेक्टेड करते हैं तो उसमें से जो चार्ज होता है वो पूरा का पूरा चार्ज फ्लो कर जाएगा नीचे, तब कब तक, अगर वो आइसोलेटेड कंडक्टर है तो उसका जो नेट पोटेंशियल होगा वो जीरो हो जाएगा, अगर आइसोलेटेड नहीं है तो बात अलग की है। ठीक है ना, तो बात अलग की, वो बात अलग क्यों है उसको भी अभी देखते हैं। ठीक है ना, पहले इसको उतारो। अब मान लो कि आपके पास एक जो कंडक्टर है वो आइसोलेटेड नहीं, आइसोलेटेड नहीं है का मतलब कि हमारे पास ये जो कंडक्टर है इसके पास में एक चार्ज भी रखा हुआ है, ये मान लो क्यू चार्ज रखा हुआ है और ये इससे इसके सेंटर से डी दूरी पर है। ठीक है, और इस कंडक्टर को मैंने अर्थ से कनेक्ट करा दिया। ठीक, अब एक्चुअल में क्या होगा, मान लो इसमें कोई चार्ज था वो इसमें फ्लो किया, ठीक है, जो भी किया, और फाइनल जो इस पर चार्ज बचा वो क्यू डैश बचा। ठीक, ये क्या है, फाइनल चार्ज। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान ये रखना है कि सिर्फ इसके जो चार्ज बचा हुआ है, इस पे जो फाइनल चार्ज आ गया है, इसकी वजह से हमें पोटेंशियल मत निकालना कभी भी, जो इस पे नेट पोटेंशियल है उसको जीरो करना है। मैंने क्या कहा कि अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, तो वो कंडक्टर के पोटेंशियल को जीरो तब करेगी जब वो आइसोलेटेड है, लेकिन अगर आइसोलेटेड नहीं है तो उसके जो नेट सिस्टम बन रहा है उसका पोटेंशियल जीरो कर दो, यानी इसकी वजह से भी यहाँ पोटेंशियल निकालने क्या आ जाएगा, के क्यू वाई डिस्टेंस कितनी डी, और इसकी वजह से जो पोटेंशियल है दैट इज के क्यू प्राइम रेडियस आर, मान लो क्यू प्राइम बाई आर, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, नेट पोटेंशियल ने किसके बराबर कर दिया, जीरो के बराबर, क्या आ गया, के से के कैंसल आउट हो गया, क्यू प्राइम की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस क्यू आर बाई डी, यानी ये जो फाइनल चार्ज बचेगा वो इस पर भी डिपेंड करेगा कि कितना चार्ज उसके पास में रखा हुआ है, अगर चार्ज जीरो है तो नेट चार्ज कितना बचेगा, जीरो, यहाँ से रख के देख लो, रेडियस और उसके बीच की डिस्टेंस पे भी वो डिपेंड करेगा, अगर नेट चार्ज जीरो है तो फाइनल चार्ज कितना बचेगा, जीरो। तो ये बात हो गई हमारे पास अर्थिंग की, अगर वो आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड नहीं भी है तो क्या, किस तरह से हम लोग इन चीज़ों को टैकल करते हैं, तो ये बात हमें आई होप समझ आ जानी चाहिए। और अब जो बची हुई बातें हैं, बस थोड़ा सा एक आध लेक्चर का इसमें काम बचा हुआ है, उसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करो, खुश रहो, अच्छे रहो, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय।